हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। और हमने सबसे पहले पढ़ा था अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 और ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन्वायरमेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट। उसके बाद हमने कोविड के बारे में पढ़ा था और कोविड के बाद हमने जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, ISO 17799 और ISO 27001 पढ़ा था। इसके बाद हमने SAS 70 पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे सिस्ट्रस के बारे में। सिस्ट्रस क्या है? सिस्ट्रस बेसिकली ट्रस्ट सर्विस है। असल में ब्रिटिश ने भी अपना स्टैंडर्ड बनाया, बाकी जगह अपना स्टैंडर्ड बनना था, तो अमेरिका का जो इंस्टीट्यूट है, CPA का जो इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ने कहा कि जी हम पीछे क्यों रहे। उसने कनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मिलकर, सीसा जो है के साथ मिलकर सिस्ट्रस क्रिएट किया। सिस्ट्रस बेसिकली क्या है? ट्रस्ट सर्विसेज है। और आप चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के पास जाते हो और आपके पास एक सिस्टम होता है, मालूम पड़ा आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट में बहुत सारे लोग अपना डेटा रखने में इच्छुक हैं, तो आप एक ट्रस्ट देना चाहोगे अपने कस्टमर्स को, तो आप वो ट्रस्ट कैसे क्रिएट करोगे? सिस्ट्रस सर्टिफिकेशन लेके। AICPA इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप हमारे पास आओ, हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करो, और अगर आप हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करोगे तो हमारा जो CPA है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, आपको एक सर्टिफिकेट देगा, आपका ऑडिट करेगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देगा, और वो सिस्ट्रस सर्टिफिकेट होगा बेसिकली, और एक ट्रस्ट जनरेट होगा आपका। तो बेसिकली सिस्ट्रस क्या करता है? सिस्ट्रस क्या है कि आप एक कंपनी हो, अगर मान लिया सपोज आप एक BPO यूनिट हो और आप HDFC बैंक या HSBC बैंक या अमेरिका के कोई भी बैंक जो है उसको सर्विसेज दे रहे हो, तो वो आपकी सर्विसेज पर कैसे रिलाई करेगा? आपकी सर्विसेज पर रिलाई तब करेगा जब आपके सर्विसेज चार चीज़ों की आप गारंटी दोगे, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और मेंटेनेबिलिटी। तो अगर आप इन चार चीज़ की गारंटी दे दोगे तो वो एक रीजनेबल लेवल ऑफ रिलाई करने लगेगा। लेकिन अब वो आपकी गारंटी कैसे मांगे? आपकी गारंटी वो नहीं मानेगा, वो मानेगा सिस्ट्रस का सर्टिफिकेशन की गारंटी मानेगा। अगर सिस्ट्रस जो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने सर्टिफिकेशन आपको दे दिया है और आप ये बताया कि आप सिस्ट्रस कंप्लायंट हैं, तो वो ये मिनिमम लेवल तक आप पर रिलायंस कर लेगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सिस्ट्रस जो है वो बेसिकली क्या है, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि कंफर्ट मैनेजमेंट जो है, जो दूसरी कंपनी कस्टमर का मैनेजमेंट है, कस्टमर बिजनेस पार्टनर्स हैं, और उनको एक लेवल ऑफ कंफर्ट दिलाता है कि हम एक पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिस्ट्रस एंगेजमेंट इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो रिलायबिलिटी सर्विस की, जो आपकी सिस्टम जो है वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्विस की रिलायबिलिटी दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पास सिस्टम है, आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप अपने कस्टमर को रिलायबिलिटी बताना चाहते हो कि आपके सिस्टम रिलायबल हैं, तो रिलायबिलिटी के स्टैंडर्ड्स को कंफर्म कर रहे हो, और इस चीज़ को सिस्ट्रस का सर्टिफिकेट कंफर्म करता है। तो सिस्ट्रस एंगेजमेंट्स होते हैं। सिस्ट्रस एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर आता है, यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आता है, वो इवेल्यूएट करता है पर्टिकुलर सिस्टम रिलायबल है कि नहीं है, और उसके लिए चार चीज़ें देखता है, वो चार प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट वो चेक करता है, अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और मेंटेनेबिलिटी। तो चार सिस्ट्रस के प्रिंसिपल्स, सबसे पहले अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि सिस्टम जब अवेलेबल होना चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट या स्टेटमेंट्स के अनुसार अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि HSBC अमेरिका के HSBC ने आपको यहाँ पर इंडिया में एक BPO को अपना कॉल सेंटर खोला और अपना क्लाइंट को, अगर मान लिया सपोज HSBC में वहाँ अमेरिका में कोई क्लाइंट्स जो हैं वो कोई सर्विसेज के बारे में पता करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर उनका फ़ोन रीडायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पर कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर उनकी क्वेरीज को मीट आउट करता है। तो वहाँ जो HSBC है या जो भी बैंक है अमेरिका के, उनको ये एक मिनिमम रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी सर्विस चलेगी और कंटिन्यूसली चलेगी, आपकी सर्विस अवेलेबल रहेगी, अवेलेबिलिटी
का रिलायंस होना चाहिए। तो सिस्ट्रस जो है सबसे पहले अवेलेबिलिटी के स्टैंडर्ड के साथ आपको आपके सिस्टम्स को चेक करता है कि अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनऑथराइज फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बैंक आपको अपना BPO यूनिट क्रिएट कर रहा है, आपको अपना BPO, आपको अपना डेटा दे रहा है, आपका BPO उसके कस्टमर्स आपके कॉल सेंटर से कनेक्ट होते हैं, तो वो आपको अपना डेटा भी देगा, कस्टमर का डेटा भी देगा, तो कस्टमर का डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो तीसरी बात इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी की होनी चाहिए, आपके कस्टमर ने पूछा बैंक अकाउंट में बैलेंस में क्या है, आप कुछ और ही बता रहे हो, तो कंप्लीट एक्यूरेटली टाइमली ऑथराइज्ड प्रोसेसिंग होनी चाहिए। इंटेग्रिटी यानी कि इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। और फाइनली ये है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सिस्टम जब अपग्रेड हो रहा है तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। यानी कि जैसे एक कार को आप ठीक करते हो, तो कार को ठीक करते हो, अगर मान लीजिए सपोज आप कार का बिजनेस है, आप टैक्सी का बिजनेस है, तो आप एक कार को ठीक करते हो तो गैरेज में भेजते हो, और कोई आदमी कहता है यार वो वाली कार चाहिए, तो आप कहते हो यार 5-7 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है कार। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वो ठीक हो रही है। ये चीज़ सॉफ्टवेयर के साथ नहीं चलेगी। अगर आपको चलते चलते हुए ही उस कार को ठीक करना है, तो मेंटेनेबिलिटी का मतलब ये है कि सिस्टम को जब आप अपग्रेड कर रहे हो तो वो चलते चलते ही अपग्रेड करोगे, और उसकी अवेलेबिलिटी इम्पेयर नहीं होनी चाहिए, सबसे पहली बात। यानी कि सिस्टम आप ये नहीं कह सकते हो कि BPO जी 4 दिन बंद रहेगा, बैंक ऑफ अमेरिका से ये नहीं कह सकते हो 4 दिन बंद रहेगा क्योंकि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, ये नहीं चलेगा, इसमें तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अलावा सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए। आपने सिस्टम अपग्रेड किया, आपने कहा जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ गई, इंटेग्रिटी में प्रॉब्लम आ गई, डेटा करप्ट हो गया या कुछ हो गया, ये सब नहीं चलेगा। आप मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इसको स्पेसिफाई कौन करेगा? इन प्रिंसिपल्स को सर्टिफाई करने के लिए डिटेल क्राइटेरिया होते हैं, तो लेकिन कौन करेगा ये? आपके पास CPA करेगा। CPA आपके पास आएगा और जो है वो सिस्टर्स इंगेजमेंट करेगा। सिस्टर्स का इंगेजमेंट जब कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिशनर अपनी एक ओपिनियन देगा। वो ये हर एक प्रिंसिपल्स पर ओपिनियन दे सकता है, एक साथ सेपरेटली दे सकता है, और फिर वो उसी ओपिनियन को आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो और कह सकते हो कि भैया हम सिस्टर्स कंप्लाइंट हैं और हम जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ रिलायबिलिटी आपको देते हैं। हम अवेलेबिलिटी के लिए अवेलेबिलिटी की अगर कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, नया क्लाइंट आएगा, वो कहेगा अवेलेबिलिटी की गारंटी है, वो आप कहोगे सिस्टर्स है। वो कहेगा सिक्योरिटी की क्या गारंटी है, वो बोलेगा सिस्टर्स है। इंटेग्रिटी की क्या गारंटी है, सिस्टर्स है। मेंटेनेबिलिटी की क्या गारंटी है, सिस्टर्स है। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा चीज़ें देखनी है तो आप एक्स्ट्रा अपना ऑडिट कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको सर्टिफिकेशन, मिनिमम आप रिलाई कर सकते हो कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम मीट आउट कर रहे हैं। इसके बाद ITIL है, इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। असल में क्या है कि UK गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, CCT है, उसने ITIL क्रिएट किया है। ITIL क्या है? ITIL स्टैंडर्ड्स हैं, सारे सर्विसेज स्टैंडर्ड्स हैं। तो ITIL सर्विस स्टैंडर्ड्स दो चीज़ें देखते हैं, एक तो सर्विस सपोर्ट और एक सर्विस डिलीवरी देते हैं। जैसे कोविड के स्टैंडर्ड्स हैं ना, कोविड के स्टैंडर्ड 4 चीज़ें देखते हैं। जैसे कोविड के स्टैंडर्ड्स प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग देखेंगे, एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी सपोर्ट और मॉनिटरिंग, ये हमने पढ़ा था। IT प्रोसेसेस को इस टर्म्स में देखते हैं। ये IT प्रोसेसेस को कोविड में प्लानिंग और पहले प्लानिंग देखी जाएगी, फिर एक्विजिशन और इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर डिलीवरी और सपोर्ट दिया जाता है, फिर मॉनिटरिंग की जाती। तो ये 4 चीज़ें हैं कोविड में, लेकिन जो आपका ITIL है उसमें सर्विस डिलीवरी और सर्विस सपोर्ट देखा जाता है। यानी कि इन चारों चीज़ों में से एक पर्टिकुलर चीज़ देखी जाती है, डिलीवरी और सपोर्ट। कोविड जो है वास्ट है, बड़ा है। वैसे कोविड और ITIL कंपटीटर है, सर्विस इंडस्ट्री में ये दोनों कंपटीटर हैं, लेकिन कोविड थोड़ा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन, इवन मॉनिटरिंग ये देखता है, लेकिन ITIL केवल डिलीवरी और सपोर्ट देखता है। तो यानी कि सर्विस डिलीवरी और सर्विस सपोर्ट के टर्म्स में ऑडिट किया जाता है यहाँ पर।
तो हम ये कह सकते हैं ITIL जो है कोविड का कंपटीटर है, और कोविड में चार चीज़ें होती हैं, उसमें से एक चीज़ जो है उस पर ITIL एम्फेसिस करता है। तो हम आज की डेट में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट है और वो अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, और हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की, IT सर्विसेज की ज़रूरत है आज की डेट में, और अंडरलाइंग IT सर्विस और IT सर्विस मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, उस पर फोकस करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ITIL ने सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट किए हैं जो कि एक फ्रेमवर्क बना देते हैं IT सर्विस मैनेजमेंट के लिए, और ये फ्रेमवर्क डिफाइन करते हैं किस तरह से सर्विस मैनेजमेंट पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगी, ताकि सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी के एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स के बन सकें। कहने का मतलब ये है, रात के 12 बजे अगर आप अपने फ़ोन को किसी सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करते हो और कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या सर्विस देगा आपको? मतलब कहीं आप आधे घंटे तक आपका फ़ोन आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, इस तरह का आप सुन रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, यानी सर्विस के लेवल्स नहीं है। आप उसे फ़ोन करोगे तो लीड टाइम नहीं होना चाहिए, आपकी सर्विस डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए, सर्विस सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप फ़ोन करते हो तो सर्विस सपोर्ट होता है, बेसिकली वो आपकी सर्विसेज को सपोर्ट दे रहा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स ही होते हैं उन सपोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए। तो ITIL ने क्या है, वो स्टैंडर्ड्स को कंपाइल करता है, तभी उसका नाम IT इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी है। क्योंकि पहले क्या था कि ITIL का जब वर्जन बनाया तो 31 किताबें थी, उसके बाद ITIL का वर्जन 2 आया, वो किताबें कंसाइज करके और अमेंड करके 8 किताबों में कन्वर्ट हो गई। अब ITIL का वर्जन 3 है, उसमें 5 किताबें हैं, तो 5 बुक्स हैं, ये 5 किताबें जो है सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी के बारे में बताती हैं। तो ITIL जो है ओरिजिनली CCTA UK गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा बना था, ये आज की डेट में डिफैक्टो स्टैंडर्ड है। डिफैक्टो स्टैंडर्ड का मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स है, IT सर्विसेज के बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। डिफेक्टो स्टैंडर्ड का मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड बनते बनते उसका नाम हो जाता है। तो लोग कहने लगते हैं कि भाई उसको कोई प्राइज़ नहीं मिलता है, कोई लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतना रोबस्ट स्टैंडर्ड होता है कि लोग कहने लगते हैं कि इस स्टैंडर्ड को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो ब्रांड बन जाता है, तो वो एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन गया है। तो ITIL जो है एक बेसिकली क्या करता है कि फ्रेमवर्क बेस्ड अप्रोच है, तो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज नीड को मीट आउट किया जा सके। तो ये कैसे करता है, जैसा हमने बोला सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिसमें सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके बाद इन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए प्रोफेशनल्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिफिकेशन स्कीम है, एक्रेडिटेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रेंचाइज हैं इसके, जो इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और असेसमेंट टूल्स होते हैं जिससे कि IT सर्विस मैनेजमेंट को बेंचमार्क किया जा सकता है। मतलब अगर ये पर्टिकुलर ऑडिट के थ्रू आप गुजर गए हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी IT सर्विसेज और मतलब ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन नहीं दिया, एडवर्स ऑडिटर ने सही ओपिनियन दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लेवल सर्विस मेच्योरिटी आ गई है। तो जो इसकी 5 वॉल्यूम्स हैं, उस 5 वॉल्यूम्स में सर्विस स्ट्रेटेजी जो अब ITIL की वर्जन 3 है जिसमें 5 किताबें हैं, उसमें सर्विस स्ट्रेटेजी के बारे में दिया हुआ है, सर्विस डिज़ाइन के बारे में दिया हुआ है, सर्विस ट्रांजैक्शन, सर्विस ऑपरेशन और कंटिन्यूस सर्विस इंप्रूवमेंट के बारे में दिया हुआ है। यानी कि सर्विस स्ट्रेटेजी, पहले तो सर्विस की कैसी स्ट्रेटेजी होगी, फिर सर्विस का कैसा डिज़ाइन होगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में, सर्विस ट्रांजिशन क्या होगा जब सर्विस एक लेवल एक जगह से दूसरी उसमें ट्रांजिशन कर रही है, एक सर्विस से दूसरे सर्विस में, सर्विस ऑपरेशन के टाइम पर किस तरीके से आप सर्विस दे रहे हो, और कंटिन्यूस सर्विस इंप्रूवमेंट है, कैसे सर्विस इंप्रूव की जाएगी कंटिन्यूसली। तो चूंकि ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है तो ISO स्टैंडर्ड है बेसिकली। तो हमने ISO 27001 के बारे में पढ़ा, ISO 17799 के बारे में पढ़ा। अब ITIL क्या है कि जैसे ही आप ITIL के स्टैंडर्ड्स को मीट आउट करते हो तो आप एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो। उस सर्टिफिकेशन का नाम क्या है, उस सर्टिफिकेशन का नाम है ISO 20000। यानी ITIL के जो बेसिकली सर्विस डिलीवरी और सर्विस सपोर्ट स्टैंडर्ड्स क्रिटेरिया को मीट आउट करते हो
और ITIL के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको आप फॉलो करते हो तो आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो, आप ISO 20000 सर्टिफाइड हो सकते हो। यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कहेगा आपके, अगर वो पूछेगा आपकी सर्विस डिलीवरी का लेवल क्या है, आप कहोगे ISO 20000 सर्टिफाइड है, तो वो समझ जाएगा कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सर्विस डिलीवरी आप दे सकते हो। तो ITIL में क्या है कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप ITIL के स्टैंडर्ड्स को पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या है कि 5 वॉल्यूम्स को पढ़ोगे तो IT सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस की समझ आएगी आपको, IT सर्विस सपोर्ट प्रोसेस की समझ आएगी, IT सर्विस डिलीवरी प्रोसेस की समझ में आए समझ आएगी। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं इन 5 बुक्स में जो है 5 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें जिसके बारे में हमने बताया, पहला सर्विस स्ट्रेटेजी है, दूसरा सर्विस डिज़ाइन है, फिर सर्विस ट्रांजिशन है, फिर सर्विस ऑपरेशन है, फिर कंटिन्यूस सर्विस इम्प्रूवमेंट है। कंटिन्यूस तो सर्विस इम्प्रूवमेंट होनी ही चाहिए क्योंकि सर्विसेज जो हैं जो मतलब ऑटोमेशन बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो सर्विस लेवल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं ITIL में हैं वो IT सर्विस सपोर्ट है। सबसे पहले IT सर्विस सपोर्ट प्रोसेस, यानी कि सर्विस का सपोर्ट कैसे दोगे। अगर फ़ोन वाला है, एक फ़ोन बंदा आपको रात के 12 बजे फ़ोन करेगा आपकी कंपनी को, आइडिया की कंपनी को या आपकी एयरटेल की कंपनी को, तो किस तरह से क्या स्टैंडर्ड है, किस तरह से सर्विस सपोर्ट दोगे। उसके बाद इंसिडेंट मैनेजमेंट, अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है सर्विस देते समय, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे मैनेज करोगे। इंसिडेंट मैनेजमेंट और प्रॉब्लम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, नए नए कॉन्फ़िगरेशन आते जा रहे हैं, नए नए वर्जन आते जा रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करोगे। चेंज मैनेजमेंट, रिलीज़ मैनेजमेंट, यानी चेंज होगा तो कैसे मैनेज करोगे। रिलीज़ मैनेजमेंट यानी नए नए सॉफ्टवेयर्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो जब रिलीज़ हो रहे हैं, नई सर्विसेज रिलीज़ हो रही हैं, तो जब नई सर्विस रिलीज़ हो रही है तो पुराना डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, तो किस तरीके से स्मूथली रिलीज़ होगी चीज़ें। IT सर्विस डिलीवरी प्रोसेस के बारे में, सर्विस लेवल मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट, अगर एक हेल्प डेस्क लगा रखी है आपने तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उस क्या सर्विस सपोर्ट या सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स होंगे वहाँ पर। डिज़ास्टर रिकवरी CS सर्विस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी सर्विस रहे, कंटिन्यूसली जो फ़ोन है तो 24 घंटे चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में 1-2 घंटे डिज़ास्टर आया तो बंद हो गया। कैपेसिटी मैनेजमेंट है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट है, अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, तो इनका फोकस काफ़ी एरिया है, लेकिन बेसिकली मेन फोकस IT सर्विस मैनेजमेंट है। और IT सर्विस मैनेजमेंट में दो एरिया हैं, बस दो एरिया, सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी, 2 की एरियाज हैं इसमें, 10 डिसिप्लिन्स हैं इन 2 की एरियाज में, सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी में। और यही जो 10 डिसिप्लिन्स हैं और ये 2 चीज़ें हैं, सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी, यही इफ़ेक्टिव IT सर्विसेज आपको देने में हेल्प करते हैं, आपके स्टैंडर्ड ऑफ IT सर्विसेज बढ़ाने में आपको हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसे समराइज़ करें तो हम ये कहें ITIL जो है एक सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल अप्रोच देता है IT सर्विसेज के लिए, जैसे SAS 70 था उसी तरीके से वो भी सर्विस इंडस्ट्री के लिए था, ये भी है। उसके बाद ये है कि इसमें बेनिफिट्स होते हैं, क्यों बेनिफिट्स होते हैं, कॉस्ट रिड्यूस होती है, अच्छा सही तरीके से आप सर्विस सपोर्ट या सर्विस डिलीवरी दोगे तो कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ दोगे, तो कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये दिखाने में बेस्ट ये प्रैक्टिस ये दिखाने में हेल्प करता है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद प्रोफेशनल अप्रोच देने में, सर्विसेज के प्रति प्रोफेशनल अप्रोच देने में हेल्प करता है। स्टैंडर्ड्स होते हैं और गाइडेंस होती हैं जिन्हें हमें फॉलो कर सकते हैं, और उससे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी हो सकती है, स्किल्स बढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। और थर्ड पार्टी हम पर रिलाई करती है, हम हमारे पास ISO 20000 का सर्टिफिकेशन है, तो इसका मतलब हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिलीवरी है। तो ITIL का बेसिकली हम ये कह सकते हैं एक टूल किट होता है, टूल किट में जो है कुछ ITIL की प्रोसेसेस होती हैं, और वो क्या होती हैं, वो ITIL जो है एक गाइड होती है, वो डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन देती है ITIL को। यानी कि अगर आप ITIL को समझना चाहो तो बेसिकली उसके लिए ITIL टूल किट होता है, तो उसमें सबसे पहले जो है ITIL की गाइड है, दूसरा ITIL की मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन है, और वो मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन में ये है कि किस तरीके, क्यों पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं कि क्यों किस लिए ITIL की सर्विसेज यूज़ करोगे, सर्विस मैनेजमेंट के कैसे होता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद ITIL की फैक्ट शीट्स हैं और
ये 2 पेजेस की फैक्ट शीट होती है, वो क्या क्या डिसिप्लिनस हैं उसमें दिया रहता है। उसके अलावा ITI की कंप्लायंस असेसमेंट किट्स हैं, एक्सेल बेस्ड क्वेश्चनर्स हैं, जैसे कि आप कहीं जाओगे तो वो एक्सेल बेस्ड क्वेश्चनर सर्कुलेट कर दोगे और जो लोग हैं वहाँ पर उनसे कहोगे कि इनको भर के हमें दो। ITL के प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स हैं, तो वो क्या करते हैं असेसमेंट स्कोर्स का क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, उसके बाद रिजल्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। तो ITI की रेफरेंस गाइड्स हैं, तो वो एक फ्रेमवर्क और अप्रोच बनाने में हेल्प करती हैं, पता करने में हेल्प करती हैं कि ये सर्विसेज क्यों हैं, इसके पीछे क्या इंटेंट थी, क्या सोर्स था, कहाँ से लिया। तो ये रेफरेंस गाइड्स हैं। तो बेसिकली ITL का टूल किट है, टूल किट आपको हेल्प करेगा उसको फेमिलराइज करने में, आपके स्किल्स ITL में होन आउट करने में। तो बेसिकली अगर हम इसे समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं ITL 2 चीज़ें हैं, एक तो सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी, ये 2 की फोकस एरिया हैं, और दूसरा ये है कि आपको ये एक सर्टिफिकेशन देता है, ISO 20,000 का सर्टिफिकेशन देता है। तो हमारी स्टडी में ISO 20,000 के बारे में कुछ दिया हुआ है। ISO 20,000 जो है BS 15,000 से डिराइव किया है, पहले ब्रिटिश स्टैंडर्ड 15,000 हुआ करता था, उसको धीरे धीरे उसको ISO 20,000 बना दिया गया। जैसे BS 7799 से 2 स्टैंडर्ड निकले, ISO 17799 और ISO 27001। उसी तरह जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है BSI जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, वो पहले BS 15,000 था, फिर क्या हुआ कि आज की डेट में ISO 20,000 उसका नाम कर दिया गया है। तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड है IT ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स है, मतलब उसकी वो दुनिया में मान्यता है। तो ITIL के साथ ये सिंक्रनाइज्ड है, बेस्ट प्रैक्टिसेस सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी के लिए जो बेस्ट स्टैंडर्ड है वो यही है। अगर आप ये कहोगे कि किसी कंपनी की सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी बेस्ट है, इसके बारे में जानना है, तो उसका कौन सा स्टैंडर्ड देखें, तो ये ही है, ISO 20,000 है। फिर ISO 20,000 का Part 1 भी है, ये जो है IT सर्विस मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकेशन देता है। तो बेसिकली ISO 20,000 जो Part 1 है वो स्पेसिफिकेशन देता है, वो ये कहता है कि किस तरीके से ISO 2 कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए ISO 20,000 में। बेसिकली अगर हम ये बोलें कि ISO 20,000 के 2 पार्ट हैं, Part 1 और Part 2। Part 2 तो कोड देता है, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस देता है, जैसे हमने BS 7799 में पढ़ा था। BS 7799 2 पार्ट में आ गया था, एक स्पेसिफिकेशंस था और एक कोड्स था। उसी तरह के ISO 20,000 जो है उसमें भी 2 पार्ट हैं, स्पेसिफिकेशन और कोड। कोड मतलब क्या क्या, कौन से कोड्स आपको फॉलो करने हैं, वो तो Part 2 में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ISO 20,000 चाहिए, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन है ISO 20,000, तो उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायरमेंट मीट आउट होनी चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम्स की क्या रिक्वायरमेंट में मीट आउट होनी चाहिए, मैनेज सर्विस का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस लेवल की सर्विसेज होनी चाहिए, तो वो आपको स्पेसिफिकेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी और तभी आपको ISO 20,000 मिलेगा। तो कहने का मतलब ISO 20,000 Part 1 जो है वो स्पेसिफिकेशन बताता है, जिसको आप फॉलो करके ISO 20,000 सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, और दुनिया की नज़रों में आप वन ऑफ द बेस्ट सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी कंपनी बन सकते हैं। तो बेसिकली हमारी स्टडी ये भी बताती है कि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या क्या चीज़ें करती हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट फॉर मैनेजमेंट सिस्टम है, फिर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है सर्विस मैनेजमेंट का, फिर उसके बाद नई सर्विसेज है, उसको कैसे प्लान करेंगे और उसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद सर्विस डिलीवरी की प्रोसेसेस हैं, उसके रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन है। रिलेशनशिप रेजोल्यूशन कंट्रोल और रिलीज, इन सब प्रोसेसेस के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन है। ISO 20,000 Part 2 कोड है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है IT मैनेजमेंट सर्विस का। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर ईमानदारी एक कल्चर होती है,
और कई ऑर्गेनाइजेशन ये होती है जहाँ पर क्या होता है कि जब ऑडिटर आ रहा होता है तब अचानक चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट होती हैं, अचानक सारी चीज़ें चेंज होनी चाहती हैं, उनके कल्चर में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप अपने कल्चर में प्रैक्टिसेस डालना चाहते हो तो ISO 20000 की कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकेशंस, आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस मीट आउट होनी चाहिए। यानी ऑडिटर आएगा तो वो स्पेसिफिकेशंस देखेगा, वो जनरली उन स्पेसिफिकेशन को आपको बीट आउट हो गई तो वो सर्टिफिकेशन दे देगा ISO 20000 का। लेकिन अगर आपकी रियली कंपनी जो है सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी में एक स्टैंडर्ड कंपनी बनना चाहती है तो ISO 20000 Part 2 उसको फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑडिटर आया उस पीरियड में, आपने कहा जी आप मोबाइल कंपनी, आपने कहा जी कॉल सेंटर का रिस्पॉन्स सही होना चाहिए उन दिनों में सही होना चाहिए, तो वो उसको वो स्पेस देखेगा, टेस्ट करेगा और फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दे के चले जाएगा। लेकिन उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस आपकी डाउन हो गई, तो इसका मतलब स्पेसिफिकेशन मिल गया, स्पेसिफिकेशन मिल गया तो इसका मतलब एक मिनिमम क्वालिटी तो है ही, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कंटिन्यूइंग क्वालिटी आपकी। वो कंटिन्यूइंग क्वालिटी भी देखता है, मिनिमम कंटिन्यूइंग क्वालिटी और सारी चीज़ें देखकर चले जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखकर चले जाता है कि आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप रियलिटी में उनको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो, अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहते हो, अपने उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाना चाहते हो, तो ISO 20000 Part 2 जो है यानी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इसे समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके कुछ इन हाउस प्रोसीजर्स हो सकते हैं। उसके बाद ITIL है, वो प्रोसेस डिफाइन करती है, हर प्रोसेस को डिफाइन करती है, मतलब कुछ सॉल्यूशंस आपने डिप्लॉय कर रखे हैं, कौन से सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर रखे हैं, किस लेवल तक कर रखे हैं, उसकी डेफिनेशन कहाँ, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहाँ देखोगे, वो ITIL में देखोगे। उसके बाद ISO 20002 जो है वो मैनेजमेंट का ओवरव्यू है, यानी कि मैनेजमेंट उससे देखेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस देखकर ये पहचानेगा मेरा ऑर्गेनाइजेशन कितने पानी में है, सपोर्ट सर्विसेज और सपोर्ट सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी के टर्म पर, यानी कि सर्विस सपोर्ट और सर्विस डिलीवरी के टर्म पर मैनेजमेंट देखेगा कहाँ पर हूँ। और अगर ISO 20000 Part 1 आपने कर लिया तो स्पेसिफिकेशन मिल गया, ये अचीवमेंट हो गया आपका, यानी कि दुनिया को दिखा सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ISO 20000 Part 2 है, दुनिया को दिखाने के लिए एडवर्टीजमेंट ISO 20000 Part 1 है, रियलिटी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो ITIL हेल्प करता है इन हाउस प्रोसीजर्स, बेसिकली ये है। थैंक्स।